महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रदेश सरकार काफी संवेदनशील है। महिलाएं और उनके अधिकारियों की सुरक्षा है तो कड़े कानून बनाए जा रहे हैं, इसके बावजूद दहेज लोभी दानव सरकार के किसी भी कानून की परवाह नहीं करते लगातार महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण सदर कोतवाली क्षेत्र परिसर में एक टैक्सी में गंभीर घायल स्थिति में बैठी हुई महिला के रूप में देखने को मिला है। जनपद ललितपुर में एक विशेष पुलिस बल दस्ता जो शक्ति मोबाइल के नाम से चल रही है, मेरे द्वारा महिलाओं बच्चियों में सुरक्षा की भावना डेवलप करने के लिए चलाई जा रही है। आज के परिप्रेक्ष्य में मुझे और हमारे पुलिस बल को इस बात की आवश्यकता देखने की है कि हमारी बच्चियां, हमारी महिलाएं सुरक्षित अपने घरों तक पहुंचें। इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैं सभी को अवगत कराना चाहूँगा कि यदि कोई बच्ची, कोई महिला अकेली कहीं स्कूटर ख़राब हो जाए या अकेले कहीं स्टेशन से या बस स्टैंड से आ रही हो, रात्रि का समय हो और वो सुरक्षित घर जाना चाहे, तो शक्ति मोबाइल, जिसका मोबाइल नंबर मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये सभी नोट कर लें, 7839870546। मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, शक्ति मोबाइल का नंबर 7839870546। ये शक्ति मोबाइल का नंबर है, इस पे कॉल करें और हमारी ये टीम तत्काल उस बच्ची, उस महिला तक पहुंचेगी और उसे सुरक्षित उसके घर तक पहुंचाएगी। तो इसको सभी लोग को संज्ञानित किया जाए और अगली आवश्यकता हो तो इसको शक्ति मोबाइल को कॉल करें। हम लोग सदैव अपने महिलाओं, बच्चियों की सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। जय हिंद। क्या नाम आपका? हम आपूला नाम सर। कौन है आपकी बच्ची के साथ? हमारी बच्ची है। क्या हुआ उनके साथ? उनके साथ मारपीट भाई सर, रोडन के मारा है हमारी बच्ची को। कहाँ शादी की थी, कब की थी? रोड़ा की थी। कब की थी? 18 मई को की थी। अब क्या परेशानी क्या है? दहेज कितनी सुमार ले सर, बड़ी गाड़ी मंगा रहे हम, मजबूर आदमी कहाँ से दे रहे, पूरा दहेज दाव है और 5 लाख रुपया नगद है सर। क्या करता था लड़का? लड़का कंप्यूटर इंजीनियर है, तो सर जब बताई उनने, लेकिन अब कुछ नहीं कर रहा सर, झूठ बोला था सर। अच्छा, तो अब क्या दहेज के लिए मारता पीटता क्या? मारता है सर, दहेज के पीछे गाड़ी ले आओ। बच्ची ने कही कि हम कहाँ से ले आए, हमारे पापा को नौकरी कर। आप यहाँ आई हैं कि आपको न्याय मिल रहा है? नहीं सर, कुछ न्याय नहीं मिल रहा, सब जगह फिर रहा है, बेकेरा कुतवाली जाओ बेकेरा। अच्छा, आप कल आई थी यहाँ पे, क्या हुआ? कल आए थे तो कुछ नहीं करो सर, बाप को बंद करो, बाप को बंद करो, निकाल लो सवेरे छोड़ दो। हम लटुई लाल बच्ची, क्या है आपके, आपका बच्ची का क्या मैटर है, मारपीट का मामला आया है क्या? हम और तो सर घर दहेज को लेकर मारपीट करना सर। कितनी मारपीट की, कब मारपीट की, क्या है पूरा, कब शादी की? 18 मई को शादी करी सर। एक दफे और हमको लड़का ने धमकी दे दी कि आप घर पहुँचो कि अनसुईया के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। कितनी बार मारपीट हो चुकी है अभी? 3 दफे, तीसरी बार है। क्या क्या मांगते हैं? और जी दहेज मांगते कि हमारी 17 लाख की शादी होने की, तुमने हमको बहुत पैसे कम दिए, आप हमारे लायक नहीं थे। अच्छा, तो आपने पुलिस से शिकायत की इस बात की? पहले कुछ कल आए थे आप यहाँ? फिर कल आए थे सो अस्पताल में, अस्पताल में डॉक्टरी को भेजा संडे, डॉक्टरी हो गई, पलटी मोड़ी है। अच्छा, कल भी मारा था उसको? कल उसका कल ही मारा था, कल ही मारा था। फिर आज क्या हुआ? फिर आज अभी सर के लगन वाले सर जी कोई पहुँचे नहीं वहाँ। तो आपकी रिपोर्ट दर्ज हुई क्या? दर्ज अब आज हुई, आज हुई। क्या नाम आपका? अनुसुईया। अनुसुईया, क्या मामला था, किसने मारा आपको? तीनों ने एक सामने वाले भी थे, बड़े पाइप से मारा। बड़े क्यों मारा जी? मां मम्मी से बात कर रहे थे हम, बस छुड़ा लिया मोबाइल, बस बोले कि नहीं अब यहाँ नहीं रहना, तुम लोग चाचा चाची के पास जाओ, चाचा चाची भी बहुत परेशान करते हैं। शादी को कितने महीने हुए आपके? वही में हुई थी। क्या क्या दिया था पापा ने आपको? सब कुछ, जो मांगा हर चीज की पूर्ति की। फिर भी मार रहे हैं? मेरी भी शादी में भी लड़ाई करी थी एक चैन की वजह से। क्या मांग करते हैं आपसे, क्या लाओ? बस जी कहती कि जे कमी रह गई वो कमी रह गई, तो जे भी पूरी करो वो भी पूरी करो। कब से चल रहा है ऐसा? शादी से चल रहा, जिस दिन शादी हुई थी शादी के। कल आप कुतवाली आई थी, क्या किया इन्होंने, कुछ किया? कुछ भी नहीं किया, डांटते हैं चिल्लाते हैं ये लोग, तमीज नहीं है बात करने की किसी से।
पुलिस डांटती है आपको? अभी मैं क्या चाहती हैं आप, क्या सरकार से क्या चाहती हैं आप, शासन को बताओ सीधा, योगी जी से बात करें। मेरे साथ गलत किया नहीं सजा मिले। आपको इंसाफ चाहिए, पुलिस आपको इंसाफ दे रही है? नहीं दे रही, कोई नहीं दे रहा, कोई नहीं दे रहा।